सदर अंतर्गत नई बस्ती में सागर साहू नामक युवक का किसी अनिकेत और विल्सन नामक व्यक्ति ने गले पर धारदार हथियार से वार कर मौत की घाट उतार दिया। ये घटना कल रात के दौरान हुई, ऐसी जानकारी सामने आई है। नागपुर में आए दिन हत्या का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को ही एक हत्या की वारदात हुई थी, वो शांत हुई नहीं कि उसी रात को एक और हत्या की वारदात का खुलासा हुआ है। सदर पुलिस थाना अंतर्गत नई बस्ती में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक युवक का नाम सागर साहू बताया जा रहा है। मेरा भाई था। घर में कितने लोग थे और क्या कुछ घटना थी? कितने बजे वो घर से आया था? क्या घर में आया, वो 6 बजे खाना वाना खा के जिम के लिए गया 8 बजे, फिर जिम से घर नहीं आया, बाहर ही हो गया। उनको कैसे पता चला? हाँ, हमको मेवा से कॉल आया था दोस्त लोग से कि ये सागर खत्म हो गया घर के। अच्छा, इससे पहले कोई झगड़ा था ऐसा? नहीं नहीं, कुछ नहीं था। किसी से कोई झगड़ा? हाँ नहीं, कुछ नहीं था। वो बाहर दोस्तों में पता नहीं, पर घर में तो सब नॉर्मल ही था। उसके किसी दोस्त का फोन आया था, उसके बाद गया क्या? हाँ, दोस्त के फोन आया था। और इससे पहले कभी ऐसा उसने बताया घर में झगड़ा होता है या कुछ ऐसा कुछ है? नहीं नहीं नहीं, सब मम्मी को बात शेयर करता था वो, कुछ नहीं ऐसा। कौन कौन? मम्मी पापा मैं, भाई छोटा वाला। क्या करता था ये काम? आटो चलाता था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विल्सन नामक आरोपी ने मृतक के गले पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना कल रात की बताई जा रही है। फिलहाल हत्या किन वजह से हुई है इसका पता पुलिस लगा रही है। मेरा नाम निहाल कन्हैया तांबे, मैं नई बस्ती मंगलवारी बाजार से रहता हूँ। सागर साहू मेरा दोस्त है। हम लोग कल रात में प्लाजा बार में बैठे थे, तो वहाँ सागर हम लोग बैठे थे तो यहाँ से विल्सन आया। विल्सन के साथ 15 लड़के थे, तो हम लोग उत्ते में झगड़ा हो रहा था तो हम लोग वहाँ से निकल गए। वहाँ से फिर हमने समझा उमझा के, तो विल्सन कहता है कि मैं तुझे देख लूँगा। तो हम वहाँ से जैसे ही निकले तो विल्सन ने 15-20 लड़के लेके और घर के पास आया था। तो वहाँ से वो घूम रहा था, लेकिन हम उसके नहीं दिखे। हमको एक ने बताया तो हम घर जा रहे थे, तो मेरे घर के पास जैसे ही पहुँचे, जो अनिकेत झांझोटे नाम है जिसका, वो लड़के का मुझे कॉल आया, आप कहाँ पर है? बोले भाई, बोले मैं बोला घर के पास हूँ। तो वो जैसे ही कॉल आया तो मैं जैसे ही गया, मैं और सागर साहू का नाम निहाल, हम जैसे दोनों गए वहाँ पर, तो उसने डायरेक्ट उतरते बरोबर विल्सन ने उसके गले में चाकू मार दिया। तो ये पहले से किस वजह से दुश्मनी थी, और उसने आपको मिलने के लिए बुलाया था क्या? नहीं, हमें मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाया था, अनिकेत ने। अनिकेत और उसका बहुत अच्छा कांटेक्ट था विल्सन का, तो अनिकेत के थ्रू वो आया था यहाँ पर, तो वही चक्कर में। और आप पहले से ऐसी दुश्मनी थी, घुराघारी करता था विल्सन, और झगड़ा भी हुआ था इसके पहले विल्सन से, 2-3 बार भी झगड़ा हुआ था। किस वजह से झगड़ा हुआ? जिम से क्या सीधा बार में गए थे क्या? हाँ, जिम से हम डायरेक्ट बार पर गए, वहाँ से डायरेक्ट आए, वहाँ पर हम लोग बैठे। कि ये घर आ रहा तो रिटर्न आपको कॉल आया? हाँ, रिटर्न कॉल आया, हम घर जा रहे थे, तो खाना खाने घर जा रहे थे, अनिकेत का कॉल आया तो बोले कहाँ पर है? तो मैंने बोला मैं हम लोग यहीं पर ही है घर के पास, तो बोले ठीक है, बोले मैं आ रहा हूँ, बोले तो बोला ठीक है। अनिकेत कहाँ रहता था? अनिकेत भी मेरे घर के ही पास रहता है, नई बस्ती मंगलवारी बाजार के पास, भगवान किराना स्टोर के पास जो घटना घटी है मैं वहीं पर ही रहता हूँ, और सागर साहू मंगलवारी बाजार के पास रहता है। यातील आरोपी है विल्सन पिल्ले आणि त्याचे 3 साथीदार है। हे काल लाझा बार म्हणून सदर मध्ये या ठिकाणी रात्री ते दारू पीत होते, तेवढ्यातच फिर्यादी है निहाल तांबे आणि यातील मृतक आहे सागर साहू। ये दोघे नई बस्ती सदरमध्ये राहतात, हे सुद्धा तिथे दारू प्यायला गेले आणि तिथे ते रात्री त्यांच्या आपसामध्ये घुरून पाहण्या, एक दुसऱ्याला घुरून पाहण्याबद्दलचा किरकोळ वाद झालेला होता, आणि वाद झाल्यानंतर ते सर्व तिथून निघून गेले। आणि याच कारणावरून रात्री 12:30 वाजताच्या सुमारामध्ये ते चारही आरोपी 2 2-व्हीलर गाडीनं नई बस्ती या एरियामध्ये वस्तीत गेले। तिथे फिर्यादी आणि मृतक हे त्यांना उभे दिसले। त्यातील आरोपीपैकी विल्सन पिल्ले याने तिथे त्याच्या जवळील चाकू काढून मृतकचे मानेवर आणि कंबरेवर चाकूचे 2 घाव मारले आणि ते सर्व आरोपी तिथून पळून गेले। मृतक हा गंभीर जखमी असल्याने त्यास सोबतच्या त्याच्या मित्रांनी मे हॉस्पिटल येथे भरती केले, डॉक्टरने तपासून त्याला मृत घोषित केलेले आहे। जे आरोपी आहे त्याच्यावरती आधीचे काही गुन्हे वगैरे निष्पन्न आहेत का, आणि मृतकावरती भी आहेत का काही? हा, मृतकवर आणि यातील एक आरोपी आहे पिन्ने नावाचा, या अगोदर त्याच्यावर काही गुन्हे
गुन्हेगारीचा रेकॉर्ड आहे यांच्या पूर्वीच्या. सर यांचा पुराणाही वादविवाद सुरू होता असं काय सांगतो? नाही, ते एक जे आरोपी पार्टी आहे ते सदरचे खाटिक मोल्ला येथील राहणारी आहे आणि जे मृतक आणि फिर्यादी आहे ते बाजूलाच नवी वस्ती आहे त्या ठिकाणी राहणारे आहे. त्यांचा तसा काही जुना वाद नव्हता, परंतु यांचे असे म्हणणं आहे की मागच्या वर्षी असंच घरून पाहण्यावरून त्यांच्यामध्ये बाचाबाची झालेली होती. यातील मृतक आहे तो ऑटो चालक आहे आणि यातील जो आरोपी आहे तो एक प्रायव्हेट रोजमजुरीचे काम करतात ते लोक. सर यात किती आरोपी पुन्हा निष्पन्न झाले आहेत, किती आरोपींना अटक करण्यात आल्या आहेत? यामध्ये आम्हाला एकूण 4 आरोपी निष्पन्न झालेले आहे आणि त्यापैकी जो मुख्य आरोपी आहे विल्सन पिल्ले याला आम्ही घटनास्थळी चौघीत फरार झाले होते त्यांचा आम्ही शोध घेतला असता विल्सन पिल्ले याला आम्ही अटक केलेली आहे. उर्वरित आरोपींचा आम्ही शोध घेत आहोत. एकूण 5 आरोपी आहेत का? एकूण याच्यामध्ये 4 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत. VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैद्य चव्हाण की रिपोर्ट. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.